तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को अपने नाग के मरने का बदला लेते देखा होगा, जो कि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती है। नाग के मौत के बाद नागिन नाग की मौत का बदला लेती है और फिर बाद में वो खुद मर जाती है। परंतु छपरौली क्षेत्र के गाँव में ऐसी ही एक अनोखी घटना सामने आई, जहाँ एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने की वजह से मौत हो गई। परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना वह डर से कांप गया। दरअसल छपरौली गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे बाइक से घर की तरफ वापस आ रहे थे, रोड पर अचानक एक नागिन आ गई। बाइक स्पीड में थी, इसीलिए पता ही नहीं चला कि नागिन कब गाड़ी के नीचे आ गई और नागिन की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के शरीर के पास एक नाग आया और काफ़ी देर तक उसके शरीर के पास घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला। दोनों भाइयों ने रात को मज़े से अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की के रास्ते से आया और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नाग खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गया। सुरेश के माता पिता और भाई ने जब सुरेश को देखा तो वह डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुख में झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और तुरंत सफेरे को घर ले आया। सफेरा जानकार था, उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर बता दिया कि इसको एक नाग ने काटा है। सफेरा अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नाग ने बदले की आग में ये सब किया है। वह सफेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका यह लड़का सुरेश तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में इसे जिंदा नहीं किया जा सकता है। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या की है। इसका नाग आपके दोनों बेटों को मारना चाहता है और एक को मारने में वो सफल भी हो गया है। अब अगर आपने अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसकी भी जान चली जाएगी। आपको आज ही मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छुपा है और मौके की तलाश में, और अब केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुनकर राम के माता पिता के होश उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे की जान भी खतरे में है, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सफेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुंचे। सफेरे ने राम से कहा, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार तुम्हें जोर जोर से जप करना है। सफेरा राम के माता पिता के साथ मंदिर में ही कहीं छिप गया और महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से राम जप करने लगा। राम को मारने के लिए सांप उसी मंदिर में आ गया और जैसे ही वह राम को डसने वाला था, अचानक जोर से बिजली कड़की और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है। वो वहीं भस्म हो जाता है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सफेरा और राम के माता पिता सब देख रहे थे। जब राम का 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पूरा हुआ तो सफेरे ने उसे सारी घटना सुनाई तो राम हैरान रह गया। उस नाग से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि हमें गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए। हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी ऐसी बढ़िया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।